नमस्कार दोस्तों, छह देशों की साइकिल यात्रा में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है जगदीश गायकवाड़, मैं कर रहा हूँ छह देशों की साइकिल यात्रा। उसमें वियतनाम के बाद हम है लाओस में। लाओस की कैपिटल वियतनाम में हम आ गए हैं और वियतनाम में मैं इस मार्केट में अभी आया हूँ। इस मार्केट में मैं आपको आज ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी ना कभी सुनी होगी। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस मार्केट में, तो ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए। और हाँ, इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाऊंगा कि आपका दिल वो देख के थोड़ा हिल जाएगा, कि मतलब जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब आधा आधा वीडियो देखे, आधा वीडियो बिल्कुल ही ना देखे, क्योंकि यहाँ लोग ऐसे ऐसी चीज़ें खाते हैं, ऐसे ऐसे प्राणियों को खाते हैं, ऐसे ऐसे काट के खाते हैं कि वो थोड़ा हमारा दिमाग सुन हो जाता है, हम सोच नहीं सकते। इसलिए ये वीडियो पूरा तो नहीं, लेकिन आप अगर देख पाओगे तो पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए अभी मेरे साथ ये वियतनाम का ये लोकल मार्केट किस प्रकार रहता है, ये लोग क्या क्या खाते हैं, या सब्जियाँ कौन सी होती है, या फ्रूट्स कौन से होते हैं, और ये लोग क्या क्या सामान बेचते हैं। मार्केट की शुरुआत हुई फ्रूट मार्केट से होती है। देखिए अलग अलग प्रकार के फ्रूट यहाँ पे नजर आती है। इमली पहली बार देखी यार मैंने, यहाँ पे मुँह को पानी आ गया इमली को देख के। 10,000 10,000 की मतलब लगभग 40 रुपए की है ये। अच्छा है, मैंगो इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल के मार्केट, कुछ कॉस्मेटिक्स के दुकानें हैं यहाँ पे, आगे है खिलौनों की दुकानें, यहाँ से है वेजिटेबल ये मार्केट। वेजिटेबल्स में खाली बैंगन यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमको ज़्यादा। ये बैंगन देखिए, ये खरे है, ये अपने ब्लू है, काकड़ी, गोभी, अपने जैसे मेथी, शिपू मुझे यहाँ पे नज़र आई नहीं यार। शवगा के शेंगा और कौन से हम शेंगा खाते हैं वो दिखाई नहीं मुझे। मतलब एक बार ऐसे दिख भी जाता ना तो भी पेट भर जाता है यार, क्योंकि बहुत दिनों से खाया नहीं यार। मेथी शेपू खाने का बहुत मन कर रहा है मेरा। ये अलग अलग प्रकार के चावल मैं पहली बार देख रहा हूँ यार। ये देखिए, ये है ना चावल जो हम वो बास्केट में हमको देते स्टीम करके, वो ये चावल है मेरे हिसाब से। और ये देखिए चावल के अलग अलग प्रकार की वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलती है। वो चावल के कट्टे ही उन्होंने पीछे रख दिए, बहुत ही प्रकार के चावल है यार ये बहुत। लाओस और वियतनाम को चावल की राजधानी कहा जाता है। ये देखिए, ये भी चावल है। ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार के चावल हम यहाँ पे देख रहे हैं। मार्केट में मुझे इतनी अलग अलग चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है ना यार, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये तो क्या मालूम क्या है, ये सब मसाले के पदार्थ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख के मैं हैरान हो गया, ये अंडे की साइज़ देखिए आप कितनी। ये देखिए मेरे हाथ में लगभग अपने भारत के 3 अंडे तो भी आएंगे, लेकिन इस एक की आप साइज़ देखिए, ये कितनी बड़ा ये अंडा है यार। पर सब्जी का दुकान दिखा है मुझे अभी यहाँ पे। ये मूली देखी यहाँ पे आपने पास, कैसी लंबी रहती है ये मूली देखी। ये बैंगन, रताळ्याचे तो इतके प्रकार राहते ना यार इथं वेगळे वेगळे। रताळ म्हणजे स्वीट पोटॅटो तो खरंच खूप उत्पन्न होते इथं। बापरे यार, ये देखे ना, ये मैंने जो देखा था ना, वो जो बेयर ग्रिल खाता है वैसे ये आले ही। ये देखिए, ये देखिए,
ओह माय गॉड, अरे ये फ्रॉग भी खाते हैं यार, ये देखिए फ्रॉग। ये अंडे के कलर देखिए आप, कितने प्रकार के कलर के अंडे हैं यार ये। हमने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, वो जीती थी एकदम, वो देखे ऐसे ही ऐसे बनाते ही है। मैं यहाँ से आपको आगे का वीडियो ऐसा दिखाऊंगा कि जो आपने कभी देखा नहीं होगा, इसलिए जो मांसाहार करते हैं, जो देखने के लायक काबिल है वही देखिए। अभी मैं देखिए आपको क्या क्या दिखाता हूँ। इंडिया में हमको खाली गोट का मटन और चिकन यही मालूम है, लेकिन ये देखिए ये सुअर का मांस है पूरा, ये सुअर का मुंह है पूरा, ये देखिए। बाप रे बाप, अभी ये किसका मुंह है यार, ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पे सारा ये मार्केट इतना जबरदस्त लग रहा है ना यार, ये देखिए ये मुंह देखिए। समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ये सुअर का मुंह है। ये पूरा मार्केट मतलब यहाँ से लेके वहां तक पूरा इतना बड़ा मार्केट है ये। यहाँ पे आपको हर किस्म का मांस, हर किस्म की मच्छी, हर किस्म के तैरते कौन से जानवर, आपको जो जानवर का मटन चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन ये देख के मुझे बहुत ही दुख हो रहा है यार कि ये लोग इतना क्यों मांसाहार में विश्वास करते हैं, और इतना क्यों इनका कल्चर ऐसे मतलब ये करता है कि दूसरे प्राणियों को मार के और उनको ये करके। अभी मैं क्या बोलूँ, मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ये सब देख के कि दूसरे जानवर की रक्षा करके आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्केट की और एक खास बात बताता हूँ दोस्तों मैं, आप यहाँ पे जितना भी यहाँ पे काम करते हैं, जितना भी सब्जी बेच रहे हैं, जितना भी ये मांस बेच रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर सारी महिलाएं यही है। ये देखिए अभी ये लेडी यहाँ मटन काट रही है, ये सब, ये देखिए ये मतलब आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पे सारी काम करने वाली महिला ही, मुझे लगभग 90% यहाँ महिला ही नज़र आ रही है कि जो काम कर रही है। बेरुक तो है ही, लेकिन इन्होंने पंछियों को भी नहीं छोड़ा है यार। ये देखिए पंछी, देखिए ये पंछी भी है यहाँ पे, और मछली के प्रकार देखिए यहाँ पे कितने प्रकार है मछली के।
बस इस मार्केट में अभी ज़्यादा नहीं रुक सकता क्योंकि उल्टी जैसा हो रहा है मुझे, बहुत ही गंदी बदबू सी आ रही है मुझे, और मैं ज़्यादा दिखाने का प्रयास भी आपको नहीं करूँगा, आप समझ लो इस बात से कि ये लोग क्या क्या खाते हैं। यहाँ पे आके थोड़ा खुशबूदार लग रहा है, हरी हरी सब्जी, हरी हरी सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही मुझे। ये अदरक देखिए ना आप, इसकी खुशबू लेता हूँ मैं मस्त खुशबू है अदरक की। ये कांदेची पात कितनी छोटी है कांदेची पात है, ये अलग अलग प्रकार की सब्जियां देख के अच्छा लग रहा है। वो पुदीना है, लेकिन अपने तरफ की जो सब्जियां है वो उसमें से खाली मुझे कोथिंबीर यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देखिए कोथिंबीर और ये कांद्याची पात, बस एवढंच पाहायला भेटते। बाकी आपल्या इकडचा जो भाजीपाला राहतो तो मला बिलकुल इथं बघायला भेटत नाही। अब ये क्या है ये, हाँ ये इसको ही गीला करके इसको अंदर से काट करके इसको यहाँ पे रखा गया है। भिंडी देखने को मिली बहुत दिनों बाद मुझे, यह सब्जी में देखने को मिला है। ये क्या है, हम आळू चे पान आपण तोडतो त्याच्या खालचे जो कंदमूळ आहे मला ते वाटतंय त्याचाच प्रकार वाटतोय हा काहीतरी। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछली है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सारी मछलियां मेकोंग रिवर की, मेकोंग यहाँ पे ये सूखी मछलियां रखी गई है। ये दालचीनी है क्या, ये दालचीनी कुछ अलग ही है वो, ये भी नरम नरम लग रहा है, ये क्या है क्या मालूम। ये सारे मसालों के पदार्थ यहाँ पे रखे गए हैं और ये छोटी सी दुकान यहाँ पे हम देख रहे हैं। पहली बार मुझे यहाँ दाल नजर आई है, मूंग दाल, सिंगदाने, एक ही दाल मुझे यहाँ नजर आई है वो भी मूंग दाल, ये काली मरीच, ये सूखा मछलियाँ यहाँ पे रखी गई है। ये शक्कर देखिए कितनी बारीक इस्तेमाल करते, बहुत ही बारीक शक्कर है, शक्कर का उत्पादन बहुत कम होता है। ये साबुदाना है, बारीक साबुदाना एकदम, ये सफ़ेद, ये तिल है, तिल इसका इस्तेमाल इतना कम होता है ना यहाँ पे कि ये देखने को ही नहीं मिलता यार। जैसे मतलब आज मैं पहली बार इस बड़ी मार्केट में घूम रहा हूँ तो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है ये। हाँ ये प्लास्टिक की सेवई है, ये देखिए ये है ना, ये प्लास्टिक सेवई के कुछ तो भी, इसको उस दिन दे रहे थे मैंने लिया नहीं, मैं बोला मुझे सिर्फ चावल दीजिए आप, तो उस दिन मैंने सिर्फ चावल खाए थे लेकिन वो खाया नहीं था मैंने, क्योंकि अगर जब हम यहाँ पे घूमते ना तो खाने के बारे में इतना बारीक सोचना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और इसका इफेक्ट हमारे पेट के ऊपर क्या होगा। एक तो आज सुबह मैंने, दोपहर को मैंने चावल खाए तो थोड़ा पेट में दर्द मुझे महसूस होने लग रहा है कि क्या मालूम यार, एक तो वहाँ पे क्या था क्या नहीं, लेकिन वो चावल में मैंने उनको सब्जियाँ काट के डालने को बोली थी तो सब्जियाँ अच्छी थी या नहीं थी डोंट नो, लेकिन पेट में थोड़ा गड़बड़ मुझे आज लग रहा है। एक तो रात भर हमें सफ़र करना है बस का। ये छोटी सी दुकान में यहाँ पे देख रहा था दोस्तों, तो मुझे क्या लगा ये सोयाबीन की वड़ी है क्या क्या, तो मैंने उनसे अभी गूगल ट्रांसलेट करके पूछा कि ये सोयाबीन की वड़ी मुझे दिखाओ, तो
जब मैंने देखा तो ये नरम थी, मैंने दबा के देखा, फिर मैंने उनको गूगल ट्रांसलेट में पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने उसका जवाब आया ये मीट बॉल से, मतलब ये मटन से बने हुए सोयाबीन है। मतलब यहाँ पे बहुत बारीक बारीक देखना पड़ता है यार कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। इसलिए अगर आप लाओस आते हो, वियतनाम आते हो, तो पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि क्या यहाँ पे कौन सी चीज़ें रहती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं रहती। ये जो पैकेट में रखा है दोस्तों, ये लाल 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 जो है, ये रत्ती है, रत्ती मतलब जो यहाँ पे कट कर रहे हैं उनका रक्त उसमें जमा कर गई, वो भी वो बेचने का काम यहाँ पे करते हैं। गलत निकला, मुझे यहाँ पे शेपू दिखाई दी, ये देखिए ये है शेपू, यहाँ की शेपू की जुड़ी इतनी है, ये जितना हम एक जुड़ी में निकाल के फेंक देते उतना ये एक जुड़ी में यूज करते हैं। और प्रॉपर दुकान है ये वेजिटेबल्स की, यहाँ की सारा वेजिटेबल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये करेला है क्या? करेला ही है लेकिन अलग टाइप का है। यहाँ पे ब्रोकोली मुझे बहुत दिनों बाद देखने को मिली, खाने का तो बहुत मन कर रहा है लेकिन यहाँ कौन बनाएगा। टोमेटो ये देखिए ना, बैंगन देखिए कितने छोटे छोटे, बिल्कुल ही कांटे नहीं है बिल्कुल। ये देखिए मैं हाथ इसमें डाल रहा हूँ लेकिन बिल्कुल यहाँ पे कांटे उसको नहीं है। ये मशरूम देखिए आप कितने छोटे छोटे हैं यहाँ पे। अदरक थोड़ा अलग ही है लेकिन अदरक की खुशबू जैसे अपने अदरक की रहती है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। एक अलग चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिली, वो हंस रही आंटी जी, गूगल ट्रांसलेट किया तो भी बात समझ में नहीं आई मेरी अभी तक। ये जो है ये क्या है ये पता नहीं चल रहा है मुझे। ये देखिए ये बाल है उसको पीछे से, और ये कड़क लग रहा है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ लेकिन ट्रांसलेशन से भी बात नहीं जान पा रही है। अब इसका फोटो हम ट्रांसलेट करके देखेंगे, देखिए आप इसका फोटो निकाल के हम ट्रांसलेट करेंगे बाद में देख लेंगे। अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे यार बहुत सारी। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको पूरा दिखाने की कोशिश की कि आप वियतनाम के मार्केट में क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या घूम सकते हैं, क्या क्या सब्जी है, क्या क्या यहाँ नॉन वेज है, क्या 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 वेज है, क्या फ्रूट्स है, सारा दिखाने की कोशिश की, जितना मेरे से हो सके उतना दिखाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहे अपनी 6 देशों की साइकिल यात्रा जो पहुँची है वियतनाम में। जय हिंद, वंदे मातरम।